अच्छा, साल भर में एक ही बार धुलता है। हेलो दोस्तों, बड़ा मुझसे छोटा गोला दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे अच्छे रे में सब करते हैं दोस्तों। इस भाव को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के हो रहे हैं 9 o'clock और अभी हम लोग जो है अपने हॉस्टल से चेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चेकआउट काउंटर है, यहाँ पे हम लोग कल आए थे और आज चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें और आगे जाना है। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो चुका है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गंगा घाट पे, गंगा रिवर पे। और वहाँ का पूरा आपको व्यू देंगे और क्या क्या ऐसे हमें प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे है और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे खाने पीने से रिलेटेड। भाई सूरज श्रीवास्तव का व्लॉग हो और खाने पीने की चीज़ें ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको सब कुछ दिखाएंगे, पूरा एंजॉय कराएंगे। तो चलिए, अभी हमारे दोनों दोस्त रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घाट की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हमने चेकआउट कर दिया, अब हम लोग निकल रहे हैं घाट की तरफ। सुबह सुबह ही निकल रहे हैं ताकि आप लोग सुबह सुबह का व्यू देख सकें गंगा रिवर का। और ये सड़क देखिए कितना पुराना है, पूरा पत्थर का बनाया गया है, पहाड़ का पत्थर है ये देखिए। और ये पूरा सोसाइटी है। बाय बाय अपना हॉस्टल, फिर मिलेंगे। फिर दोस्तों मैं आऊँगा यहाँ पे काफ़ी चीप रेट में, काफ़ी अच्छा जगह है ये स्टे करने के लिए वाराणसी में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अपने ब्लॉगर दोस्त सब ब्लॉगिंग करते चल रहे हैं आगे पीछे। और अब हम लोग जा रहे हैं मेन रोड पे, वहाँ से सीधे चलते हैं घाट की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं घाट के लिए, अस्सी घाट पे जाने के लिए। फिर देखते हैं कौन सा घाट पहले पड़ता है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते में देखिए काफ़ी पुराने घर हैं, पुराने ज़माने के, राजा महाराजा के ज़माने के देखिए सब। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और अभी सुबह का टाइम है, रास्ता पूरा खाली है, ट्रैफिक नहीं है एकदम। और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो हॉस्टल से बहुत नज़दीक है सारे घाट। तो अगर आप लोग इस हॉस्टल में रुकते हैं, जो कि आप लोग ने मेरा दूसरा पार्ट देखा होगा वाराणसी का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट है। और तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं भेलपुरा चौराहे पे और यहीं पे हमारा हॉस्टल था भेलपुरा। भेलपुरा हॉस्टल से जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है सारे घाट। और ये जो आप देख रहे हैं, ये राजा का किला है, पहले था और पुराने ज़माने का है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है भाई। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घाट की तरफ और अभी हम लोग हैं तिराहे पे। ये देखिए यहाँ से BHU गुदौलिया सबका लगा हुआ है कि किधर किधर जाना है। और हरिश्चंद्र घाट हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं हरिश्चंद्र घाट, यहाँ से सीधे जाना है हम लोगों को। और फिर वहाँ से अपन लोग आज बोटिंग करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएँगे आपको। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी खाली है। और ये तिराहा, इधर से आप लोग चले जाएँगे गुदौलिया और सीधे चले जाएँगे आप लोग हरिश्चंद्र घाट। तो दोस्तों, ये देखिए हरिचंद घाट 0.3 किलोमीटर यहाँ से आगे से मुड़ना है इस साइड। और पर हम लोग हरिचंद घाट नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट ना। हाँ हाँ, अस्सी घाट जा रहे हैं हम लोग और सीधे चलते जाएंगे और इधर से आप चले जाएंगे गुदौलिया। हम लोग का प्लानिंग था पहले जाने के लिए हरिचंद घाट, लेकिन अब हम लोग अब अस्सी घाट जाना है तो हम लोग अस्सी घाट चलते हैं, एकदम सीधे यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं अस्सी घाट वाले रोड में। और ये देखिए रोड काफ़ी पुराना है, ये भी पत्थर का ही बनाया गया देखिए। और काफ़ी पतला रास्ता है, मतलब उतना भी पतला नहीं है जितना पतला बनारसी गलियां होती हैं, जो कि उस साइड में गुदौलिया साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट की तरफ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा दीवार में ये देखिए डिज़ाइन बनाया गया मॉडल दोनों साइड भगवान जी लोगों का सबका। और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई इस गली में। फाइनली
फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं 80 घाट, और सामने घाट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। और हवा वगैरह भी चल रहा है, देखिए। ओ भाई क्या व्यू है, भाई क्या व्यू है, ये देखिए सामने से क्या मस्त व्यू है, ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ। और ये देखिए हमें इतना नीचे जाना है। जब मैं आया था बाढ़ के टाइम में तब काफ़ी ज़्यादा पानी था, पूरा वहाँ तक पानी गया था, पूरा वहाँ तक, पूरा नीचे से। और आइए नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। और इस साइड होता है गंगा आरती, यहाँ पे आरती होता है। आइए नीचे चल के आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। और यहाँ पे सामने होता है आरती, यहाँ पे आरती होता है। आइए चलते हैं नीचे। आइए एकदम घाट के पास आपको ले चलते हैं, एकदम नदी के पास। जय हो गंगा मैया। काफ़ी सारे बोटे यहाँ पे लगी हैं, काफ़ी सारी बोटे, ये देखिए काफ़ी सारी बोटे हैं। और जो फॉरेन से पंछियाँ आती हैं वो भी आई हुई हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पे दाना वगैरह हम भी लेते हैं, फिर उनको खिलाएंगे। दोस्तों हम लोग लेंगे यहाँ से बोट और थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे घाट का, और जो ये पंछियाँ आई हुए हैं फॉरेन से इनको हम खिलाएंगे दाना। दाना खिलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे घाट पे ही स्टॉल लगे हुए हैं, दुकान वगैरह पूजा के सामान के, तो यहाँ से हम लोग दाना ले लेंगे। कौन सा है दाना चाची? ये वाला है। कितने का है? 10 रुपये का। देखिए चाची बेच रही है 10 रुपये में, 2 पैकेट चाची हमको दे दीजिए। और ये दाना है 10 रुपये का। ये क्या रहता है, क्या है वैसे? नमकीन? हाँ, नमकीन बेसन का रहता है ये दाना, नमक वगैरह नहीं रहता है इसमें ना, सादा रहता है ये। हल्का रहता है, और इन लोगों को पसंद है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसको हम ले लेते हैं 2 पैकेट, और फिर नाव पे हम लोग चलेंगे तो फिर खिलाएंगे। दोस्तों अभी हमें 80 घाट पे है, और हमने अपना जो है कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, क्योंकि भाई हमें बहुत सारे फ़ोटो वगैरह लेने हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगा। और अभी हमें 80 घाट पे है, देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जो फॉरन से पंछियाँ वगैरह आई हैं, और उनके लिए हमने दाना भी ले लिया है। और अभी हमें 80 घाट पे ही, 80 घाट है रीवा घाट, ऐसे सब लाइन से घाटी घाट है, घाटी घाट है। और अभी हम लोगों ने जो है नाव वाले से बात किया है, और वो है लकड़ी का नाव, उससे हम लोग घूमने वाले हैं। उसमें मोटर वाला नहीं है, वो पैडल वाला है जो हाथ से चलाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे घाट का। और अभी जो है हम लोग यहीं पर हैं, और पूरा घाट का व्यू आपको नाव से दिखाएँगे, और काफ़ी अच्छा लगेगा भाई। और उसके बाद चलते हैं इसके, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। चलते हैं भाई, घूमते हैं आराम से, मस्त मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा। और अभी हम नाव पर बैठ गए हैं, देखिए ये अपना नाव, और यहाँ पे बैठते हैं अपन और चलते हैं घूमने। कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई। खास मैं ये लाया हूँ घर से अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे आए हैं इंस्टाग्राम के लिए, फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक आए तो क्या मज़ा फिर। और अभी बैठ गए, देखिए अपने दोस्त भी आ गए, संदीप भाई। तो दोस्तों अपना नाव चल दिया है 80 घाट से, और thank you.
दोस्तों अभी हम लोगों ने चिड़िया को दाना खिलाया। भैया चिड़िया क्या नाम है? सेवेरियन। सेवेरियन चिड़िया नाम है चिड़िया का। और काफी भाई मजा आ रहा है इन लोग को दाना खिलाने में, काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं ये लोग और तुरंत खिलाने पे आ जा रही हैं। आओ 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 आओ, देखिए आओ 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 कहने पे आ जा रही हैं ये लोग, काफी मजा आ रहा है। और अभी हम लोग घाट पे हैं पूरा, देखिए इधर घूम रहे हैं और उस साइड जो घुड़सवारी भी हो रहा है उस साइड भी हम लोग अभी जाएंगे। और ये देख लीजिए अभी यहाँ का व्यू दोस्तों, अभी हम आ गए हैं राजा हरिश्चंद घाट पे। ये देखिए जहाँ पे दाह संस्कार होता है और बहुत फेमस है ये घाट और यहाँ पे सबको मुक्ति मिलता है हरिश्चंद घाट पे। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और देखिए अभी यहाँ पे जो साइबेरियन पंछी हैं इनको हम लोग दाना भी खिलाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हरिश्चंद घाट और देखिए यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरा घाट का नज़ारा हम आपको दिखाते चलेंगे। और ये देखिए पूरा आपको दिखाते चलेंगे, देखिए पूरा घाट का नज़ारा। और ये देखिए सामने हमारे कर्नाटक घाट, यहाँ पे सब राजाओं के ने घाट अपना अपना एक बनवाया है। देखिए दोस्तों ये है कर्नाटक घाट और अब नेक्स्ट आने वाला है कौन सा घाट, हनुमान घाट। ये है सामने हनुमान घाट, ये देखिए पीला वाला हनुमान घाट है, ये देख लीजिए। ये आपको सामने दिख रहा हनुमान घाट। और दोस्तों अभी हम हैं डंडी घाट पे, ये है रहा देखिए सामने डंडी घाट, ये रहा सामने। ये सामने हमारे बगल में है गुलरिया घाट। और दोस्तों गुलरिया घाट के बगल में है शिवाला घाट, ये शिवाला घाट। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग मान्यता है, घाट पे लोग आते हैं जो जहाँ का है वो कर रहे हैं। सामने गुलरिया घाट वो रहा, सामने हमारे शिवाला घाट। दोस्तों शिवाला घाट, उसके बगल में महानिर्वाणीय घाट, ये रहा महानिर्वाणीय घाट। दोस्तों अभी हम हैं निरंजनी घाट पे और उसके बगल में है चेत सिंह घाट और काफी बड़ा है भाई, ये राजा का है महल और देखिए काफी बड़ा है देखिए। और यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन देखिए। और यहाँ पे हमारे जो भैया हैं बोट वाले वीरू भैया, वो भी मदद कर रहे हैं हम लोग का फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाने में और काफ़ी फ्रेंडली हैं भाई। भैया आप हमेशा यहीं पे अस्सी घाट से ही मिलते हैं, अस्सी घाट पे ही रहते हैं। हाँ। तो अगर आप लोग आइए एक बार पहचान लीजिए भैया को, ये आपको मिले तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको घुमाएंगे यहाँ पे, काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी देर दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं हम लोगों को अपना।
और नहीं तो भाई दूसरा कोई रहता ना तो अभी लेके हम लोग घुमा के चल दिए रहते, आए रहते गए रहते, वीडियो फोटो भाई तुम जानो। लेकिन भैया बाकी फ्रेंडली हैं, काफ़ी मदद की हम लोगों का। और यहाँ पे देखिए ये पूरा साल भर में एक ही बार खुलता है। दोस्तों ये प्रभु घाट है, साल भर में एक ही बार खुलता है भैया, होता है। अच्छा उसी दिन बस खुलता है। अच्छा ये जो प्रभु घाट है इसको भैया बता रहे हैं कि दीपावली के दिन ही सिर्फ खुलता है, साल में एक बार। देखिए सामने दीपावली में तो दोस्तों प्रभु घाट के ठीक बगल में है पंचकोट घाट, ये सामने आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों पंचकोट घाट के बगल में है श्री निषाद राज घाट, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। वही निषाद राज घाट में जो प्रभु राम को निषाद पार कर रहे थे। अच्छा वही, हाँ वही निषाद राज घाट प्रभु राम को निशा जो राम को पार लगाए थे नाव से। हाँ वही निशा जा। तो दोस्तों यही वही घाट है जो कि राम जी को निषाद जी नदी पार करवाए थे ना, नदी पार करवाए थे, वही घाट है ये निषाद राज घाट। और देखिए हमारे सामने, और यहाँ पे नाव वगैरह का भी काम चल रहा है, देखिए बन रहा है। और उसके बगल में है जैन घाट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग और दोस्तों जैन घाट के बगल में ठीक है वच्छराज घाट जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सामने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में पूरा। और यहाँ पे मंदिर भी है जिस पे लिखा है प्राचीन माँ गंगा का मंदिर, ये सामने आपको दिख रहा होगा। ये तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं श्री पुरुषोत्तम नाथ दिगंबर जैन मंदिर पे, और ये देखिए सामने इसके बगल में है जानकी घाट। ये देखिए जानकी घाट, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे डुबकी लगा लगा के देखिए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है काफ़ी। और अपना डेस्टिनेशन भी आ गया सामने ही है, हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर अस्सी घाट पे। जानकी घाट के बगल में ठीक खदैनी घाट। अच्छा पानी फिल्टर होके सप्लाई होता है यहाँ से, जो है पानी फिल्टर होके सप्लाई होता है, जो आपको यहाँ से शुद्ध जल आपको मिलता है फिल्टर होकर, नदी का ही पानी रहता है ना, वो नदी का पानी फिल्टर होके आपको भेजा जाता है, यहाँ पे सप्लाई किया जाता है वाराणसी। देखिए दोस्तों हमारे सामने आ रहा है एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा बोट, स्टीमर बोट जो कि मोटर से चलता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जलपरी, और जलपरी मॉडल में बनाया भी गया है, ये दो मंजिला है, काफी बड़ा है, नीचे भी है ऊपर भी। हाँ जलपरी लिखा है इसका नाम है, और काफी खूबसूरत लग रहा है। देखिए अभी आपको आगे से दिखाते हैं। Off, 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 off
दोस्तों अपना डेस्टिनेशन आ गया, हम लोग जहाँ से बोट में चढ़े थे वहीं पर अब उतरने वाले हैं, पहुँच गए हम लोग। और दोस्तों अभी तो नाव से हम लोगों ने घूम लिया, घाट भी देख लिया, अब चलते हैं कुछ बनारस का स्पेशल खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या खाने वाली स्पेशल चीज़ मिलेगी। चलिए ढूंढते हैं कि क्या खाने वाली स्पेशल यहाँ पे चीज़ है। तो दोस्तों अभी हम लोग घाट घूम चुके हैं, घाट घूम लिए हम लोग, बहुत मज़ा आया ना भाई, बहुत मज़ा आया भाई, हम लोग पूरा घाट घूमे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे जो नाव के ओनर थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम लोग घुमाएँ और मज़ा आ गया भाई घूम के। चलो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे प्रियु ढोसा कैफे पे, इडली वगैरह टेस्ट करने के, क्योंकि भाई देख रहे हैं बनारस में बहुत जगह पे इडली डोसा वगैरह मिल रहा है, तो आइए टेस्ट करते हैं। इडली डोसा वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं, इडली टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इडली किस टेस्ट का मिल रहा है। तो अभी हम लोग 80 घाट से जैसे ही बाहर निकले यहाँ पे हैं, होगा क्या इडली होगा आपके पास? इडली दे दीजिए, एक जाओ इडली दे दो। और दोस्तों अभी हम लोग इडली खाने आ गए हैं प्रियु ढोसा में, यहाँ पे आप लोग बैठ के खा सकते हैं, तो आइए हम भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा। और काफ़ी ज़्यादा फेमस है बनारस में इडली वगैरह, सांभर इडली दे दीजिए, इडली बहुत ज़्यादा दुकान यहाँ पे दिख रहा है बनारस में, ऐसा कुछ खास बात है क्या यहाँ पे? यहाँ भैया सुबह जो है नाश्ता जो है इडली का ही सबसे ज़्यादा फेमस है, इडली कचौड़ी, क्योंकि मैं जब स्टेशन से उतरा मैं देख रहा हूँ चारों तरफ मतलब इडली डोसे का ही दुकान दिख रहा है। आपको मिलेगा कचौड़ी मिलेगा, हाँ कचौड़ी का तो यहाँ पे जलेबी शुगर, और इडली जो है आपको मतलब कि जैसे कि ज़्यादा वो भी नहीं रहता है, ऑयली भी नहीं रहता, ऑयली नहीं रहता है, आराम से आदमी सुबह के ब्रेकफास्ट में हो जाता है, ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं इडली। तो फाइनली दोस्तों अपना जो है इडली आ गया है और काफ़ी बड़े साइज़ में है, इसमें सांभर भी डाला गया है और ये नारियल की चटनी भी है, और इसको हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट इसका कैसा है। टेस्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट मुलायम है इडली और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सांभर नारियल की चटनी दो सब मिक्स हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मस्त है टेस्ट इसका। फाइनली दोस्तों हमने जो है इडली यहाँ का टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा, बनारस में हर जगह आप लोग आएंगे तो इडली डोसा मिल जाएगा आपको, तो दोस्तों बहुत टेस्टी लगा। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग? आप लोगों को मैंने पूरा दर्शन कराया घाट का और काफ़ी मज़ा आया, दाना वगैरह भी हम लोगों ने खिलाया जो बाहर से पंछी वगैरह आए हैं उनको, और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बिता के टाइम, और नाव वाले भैया तो काफ़ी अच्छे थे, हम लोग जहाँ कह रहे थे वहीं रोक रहे थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग और भी आने वाले हैं आप लोग के बीच, तो अपने भाई को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।